हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एरे एक्सटेंशंस के एरे एक्सटेंशंस ईएस सिक्स में क्या होता है। ईएस सिक्स में एरे के अंदर कुछ फंक्शंस आए हैं। यहाँ पे देखिए, चार फंक्शंस आप देख रहे हैं, एरे डॉट ऑफ, एरे डॉट फ्रॉम, एरे फाइंड, एरे इंडेक्स। ठीक है, तो इन सभी चार फंक्शन को बोलते हैं एरे इंडेक्स। मैं इन्हें वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और ये भी कंपेयर करके दिखाऊंगा कि ईएस फाइव में हम क्या करते थे और अब ईएस सिक्स में क्या चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एरे कंस्ट्रक्टर से मैं एक एरे बना लेता हूं और यहां पे एक इंटीजर पास कर देता हूं 3। फिर कंसोल डॉट लॉग एक्स, एक्स डॉट लेंथ, इसकी लेंथ, और कंसोल डॉट लॉग एक्स यहां पे मैं पास कर देता हूं 0 इंडेक्स पे क्या है। अब देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूं यहां पे, तो यहां पे देखिए लेंथ में आया 3। यहाँ जो हम इंटीजर पास कर रहे हैं ये एरे की लेंथ हो जा रही है यहाँ, यानी कि इसमें 3 वैल्यू हो गई हैं और उस वैल्यू इंडेक्स पे क्या है, अनडिफाइंड 1 पे। यानी कि अगर हम 1 पे चेक करें तो 1 पे भी अनडिफाइंड होगा और 2 पे चेक करें तो 2 पे भी अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये सिंपल हम ES5 में करते थे। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यूज पास कर देता हूँ, कोमा लगाया, 4 पास कर दिया, 5 पास कर दिया, तो अब मैं देखता हूं यहाँ पे, देखिए अरे की लेंथ तो 3 है लेकिन यहाँ पे 3 पे क्या मिल रहा है, 5, मैंने वैल्यू सेट कर दी। ठीक, अब अगर मैं इस इंटीजर को, मतलब कि हमने यहाँ पे लेंथ के साथ साथ वैल्यू भी पास कर दी जो पहले की थी, अब मैं यहाँ पे इंटीजर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक, और 0 इंडेक्स पे चला जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो देखिए अब मेरी लेंथ 1 हो गई है। पहले जब मेरा ये नंबर था तब लेंथ थी 3, जितना मैं पास कर रहा था 3, अब मेरी स्ट्रिंग हो गई तो लेंथ हो गई है 1 और यहाँ वैल्यू आ गई है। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर में ये डिफरेंस होता है कि जब भी हम कैरेक्टर पास करेंगे, ठीक है, जितने भी हम कैरेक्टर पास करेंगे, अगर हमने सिंगल कैरेक्टर पास कर रहा है तो उसकी लेंथ नहीं होगी, वो उसकी वैल्यू इंसर्ट होगी एरे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक, ये देखिए लेंथ अब 3 हो जाएगी और वैल्यू 5 हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो इसमें जो ES5 में एक डिफरेंस होता है कि अगर हमने 5 एंटर कर दिया, ए की वैल्यू नंबर की है तो लेंथ हो जाएगी इसकी 5 और अनडिफाइंड वैल्यू के साथ, और अगर हमने यहाँ पे इसे स्ट्रिंग किया है तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ हो जाएगी 1 और हमारा जो 1 0, ये 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एरे डॉट फाइंड से हम कैसे कर सकते हैं, एरे डॉट ऑफ से क्या चेंज है इसमें, एक्स इज इक्वल टू न्यू नहीं, एरे डॉट ऑफ। ठीक है, अब मैं यही 5 यहां पे पास करता हूं, नंबर में पास कर रहा हूं, ये देख के रख देखिए आप। अब मैंने एंटर किया तो देखिए 1 5। ठीक है, तो लेंथ 1 रही, 5 नहीं हुई अगर एरे ऑफ का यूज कर रहा हूं, और अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया देखिए फिर भी सेम रिजल्ट रहेगा 1 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ 6 1, देखिए 2 6, लेंथ हो गई 2 और इंडेक्स 1 पे 6 आ गया। ठीक है, इसी केस में अगर हम देखें इसको नंबर में तो 2 6 है। तो डिफरेंस क्या है एरे ऑफ और जो मैंने न्यू एरे कंस्ट्रक्टर यूज किया था, कि यहाँ पे ये डिफरेंस है कि अगर हम यहाँ पे अगर हम इस एरे ऑफ में 5 पास कर रहे हैं तो ये इसकी लेंथ 1 रखेगा और इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और अगर हम यहाँ पे एरे कंस्ट्रक्टर में ES5 में कर रहे हैं तो यहाँ पे लेंथ 5 हो जाएगी और किसके साथ हो जाएगी, अनडिफाइंड वैल्यू के साथ। ठीक, तो ये तो था एरे ऑफ। अब दूसरे पे चलते हैं, एरे फ्रॉम, एरे फ्रॉम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ES5 में आपको दिखाता हूं, मैं यहां पे एक फंक्शन ले लेता हूं एबीसी। इस एबीसी फंक्शन में मैं 3 4 5 6 इस तरह से कुछ नंबर्स पास करता हूं और यहां पे फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन एबीसी। अब मुझे क्या है, मैंने जो ये नंबर इस तरह से पास किए हैं, मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे इनको एक एरे में रिटर्न करना है। तो यहाँ पे सारी जो मेरे को चीजें किस में मिल जाती हैं, ES5 में एक आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता है, तो जितने भी यहाँ से आर्गुमेंट आप पास करेंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे।
आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है। कंसोल हो गया, एक कंसोल में यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, अभी अभी कुछ आएगा नहीं, अभी नहीं करता हूँ, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अरे आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सारी मिल गई है 3, 4, 5, 6। अब मैं इनको किस तरह से मैं इनको बना सकता हूँ, एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एरे ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने और यहाँ पे किया फॉर लूप लगाया, लेट ए लेट आई ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर ऑफ लूप क्या दे देगा मुझे, 1 by 1 सारी वैल्यूज दे देगा और यहाँ पे मैं पुश कर दूंगा इस वैल्यू इस तरह से और फिर इसको रिटर्न कर दूंगा, यही है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट से 1 by 1 वैल्यू दे देगा और इस एरे में मैं पुश कर दूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पे जाता हूँ, अभी ये ES5 की बात चल रही है, किस तरह से हम स्ट्रिंग पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, उन्हें एरे में रिटर्न करते हैं एक्स। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एरे में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड भी करना है इसमें, मान लीजिए मुझे 1 किया था 2 कर दिया, 2 ऐड कर दिया मैंने इसमें, तो देखिए सभी के अंदर 2 2 ऐड होके मुझे मिल जाएगा। अब इसको मैं एरे ऑफ से करूंगा, देखिए कितना इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एरे एरे फ्रॉम से करूंगा मैं इसको, एरे फ्रॉम, एरे फ्रॉम के अंदर में आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिया मैंने आर्ग्यूमेंट्स और इसको मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा। अभी मैं +2 नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने एक लाइन का कोड किया है, एरे फ्रॉम में ये पास कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं रिटर्न देखिए करता हूँ रिफ्रेश, एरे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ओके यहाँ रिटर्न गलत हो गया है, रिटर्न मेरा ई कीबोर्ड में ई बटन काम नहीं कर रहा है का, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 एक लाइन में हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी हर वैल्यू पे अगर कुछ चेंज भी करना है मुझे तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, I+2 जैसे मैं वहां पे कर रहा था, देखिए +2 हो गया, मुझे मल्टीप्लाई करनी है या माइनस करना है मैं वो भी कर सकता हूँ, देखिए मल्टीप्लाई हो गई। तो कितना इजी हो गया एरे फ्रॉम से। ES5 में आपने देखा मैंने लूप लगाना पड़ा था, फॉर लूप उससे हुआ था, यहाँ पे सिर्फ मैंने एरे फ्रॉम फंक्शन से सीधा सीधा कर दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे लेट एरे, एक एरे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 2, 3 ठीक है, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 2, 9 ठीक है, ये मैंने एक एरे ले लिया, ठीक। हमारे पास ES5 में क्या होता है, अगर हमें इसका इंडेक्स चाहिए निकालना हो, इंडेक्स निकालना हो या वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक दो फंक्शन होते हैं, console.log array.index of, अब index of के लिए हमें यहाँ पे इसके अंदर की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें अगर हमें इंडेक्स निकालना, मान ली 2 का निकालना है तो 2 हमें पता होना चाहिए ES5 में। अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो 3 आ गया, ये कहें 0, 1, 2, 3 पे है, ठीक है। और एक होता है लास्ट इंडेक्स, मतलब लास्ट से 2 कहाँ पे है, लास्ट इंडेक्स, अब ये लास्ट से निकालना है तो देखिए 7 हो गई यहाँ पे। इस तरह से हम इंडेक्स निकाल सकते हैं और जब हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा, मान लीजिए अब हमारे पास इंडेक्स आ गया तो हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से निकालेंगे, देखिए वैल्यू मिल गई 2, ठीक है, यहाँ पे 9 की, ठीक है। लेकिन वैल्यू हमें यहाँ पे पता है तो हम निकालेंगे क्यों, बात तो ये है ना, यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए तो वैल्यू निकालेंगे क्यों, इंडेक्स ही निकालते हैं हम ज्यादातर इससे किसी वैल्यू से, तो ये होता है। अब हमारे पास इसमें जो फंक्शन है एरे फाइंड, तो एरे फाइंड क्या करता है, अब मैं यहाँ पे console.log arr.find लगा लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए इस एरे से मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट इवन नंबर मुझे निकालना है, फर्स्ट इवन नंबर, वो कैसे निकालूंगा मैं, देखिए यहाँ पे गया e modulus 2,
ई मॉड्यूलस 2 अगर 0 0 है तो मुझे ये मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। तो फाइंड जो मेथड करता, जो इंडेक्स ऑफ मेथड और लास्ट इंडेक्स ऑफ, वो भी क्या करते थे, जब मुझे पहला इंडेक्स ऑफ से मिल गया यहाँ पे 2, तो उसने यहां तक नहीं गया सर्च करने, तो पहले रिटर्न। ये भी फाइंड यही करता है कि जो भी पहला मिलेगा वही रिटर्न कर देगा। तो फर्स्ट इवन नंबर मुझे इससे निकालना है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 2 आ गया फर्स्ट इवन नंबर, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आता है फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स अभी तो नंबर दे रहा है, अब मुझे इसमें क्या करना है, फाइंड इंडेक्स, ये मेरा ई कीवर्ड नहीं चल रहा है, इंडेक्स। देखिए लास्ट से मेरे पास फाइंड इंडेक्स, इसका इंडेक्स अभी क्या था, वैल्यू आई थी फाइंड से और यहां पे आ गया इंडेक्स 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कोई भी हम इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट के लिए सर्च करना है, ऑब्जेक्ट के लिए हमें सर्च करना है, लेट स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का यहाँ पे कोई नेम होगा, यहाँ पे कोई एज होगी, ठीक है। ऐसे काफी स्टूडेंट होंगे, काफी स्टूडेंट होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 28 29, श्याम, मोहन, ठीक है, ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे भी अगर इंडेक्स निकालना हो और मुझे वैल्यू निकालनी हो पूरी, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं यहीं पे इन दोनों का ही फाइंड, फाइंड मेथड का और इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स का मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या जाता हूँ, स्टूडेंट डॉट फाइंड पे गया मैं, ठीक है। यहां पे मुझे वो निकालनी है, वो यूजर चाहिए मुझे जिसकी एज 27 से ज्यादा हो, ठीक है, 27 से। और मैंने बताया कि फाइंड क्या करता है, जो पहला सर्च मिलेगा वही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं जाता हूं ई डॉट एज ग्रेटर देन 27, देखें अब मैंने यहां पे रिफ्रेश किया तो श्याम 28 मिल गया, ग्रेटर देन 27 तो ये भी है मोहन, लेकिन पहली सर्च वैल्यू यहां पे मिल गई, तो ये नेक्स्ट नहीं जाएगा क्योंकि इसको एक ही वैल्यू रिटर्न करनी होती है, ठीक है। और फाइंड इंडेक्स अगर मैं यहां पे रिटर्न करूं तो इंडेक्स मिल गया मुझको, ठीक है। तो ये होते हैं मेरे एरे एक्सटेंशंस के मेथड, और आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोस।